अगर तुम्हारे इस खून का इल्जाम को अपने सर पे ले ले तुम क्या दोगे उसको? मैं उसे दौलत से मालामाल कर दूंगा। आपके पति को फांसी से कोई बचा नहीं सकता। इसने कांतिलाल नाम के शख्स का कत्ल किया है। जज साहब ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। आपको लाश के पास क्या क्या सबूत मिले थे? असल में लाश के पास हमने जोधपुरी सूट को एक बटन देखा तो इस तरह के बटन वाला जोधपुरी सूट जो है वो विक्रम चुनाय पहनते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा था। क्या बात बोलिए ना। मैंने कहा भाभी जी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऑर्डर ऑर्डर। क्या पे उठ गई ये? या आप कोर्ट में गाना क्यों गा रहे हैं? I'm sorry. I'm really sorry, जज साहब. Actually क्या है कि मैं थोड़ा सा भटक गया था. भटक गए थे तो वापस आ जाइए. Yeah, I'm back, sir. I'm back. कोर्ट की कार्रवाई शुरू कीजिए. क्यों बगलेट? क्या पेश कर रहे हो आज हैं? अबे सड़े हुए टमाटर के जूस, आज मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने वाला हूँ जिसको के देख के तेरे तोते लाल हो जाएंगे। अच्छा हम भी तो देखें कि तू हमारे तोते लाल कैसे करता है। ध्यान रखना बच्चा, कहीं मेरे तोते लाल करने के चक्कर में तेरे तोते पीले ना पड़ जाए। मेरे तोते पहले से ही पीले हैं लेकिन तेरे तोते लाल जरूर होंगे। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या तमाशा है, है? क्या आप लोग एक दूसरे के तोते के साथ खेल रहे हैं? हम यहाँ क्या गुनिया छीनने के लिए बैठे हैं? सॉरी जज साहब, ये बिट्टू मुतरेजा मुझे छेड़ रहा है। अरे तू क्या लड़की है जो ये तुझे छेड़ रहा है? ओ बदतमीज चाचा, खामोश होकर बैठो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना। एक बात बताओ बदतमीज चाचा, ये तुम्हारी आवाज पहले से बैठी हुई है या बैठा दी गई है? नहीं, बैठा दी नहीं गई है। वो क्या है, मुझे बचपन से नाना प्रकार की आइसक्रीम खाने का शौक है ना, तो उस वजह से बैठ गई है। ये तो आइसक्रीम खाने का शौक तो हमको भी है, हमारी आवाज सुनी बैठी। हाँ, लेकिन मुझे लंदन की ऊंची पहाड़ी, बर्फीली ठंडी पहाड़ियों पे चढ़ के आइसक्रीम खाने की आदत है, इस वजह से बैठ गई। अगर नाना प्रकार की आइसक्रीम तस्करा खत्म हो गया हो तो मिल्क शेक फालूदे पे कुछ चर्चा करें। अरे वाह वाह, मिल्क शेक तो मेरी कमजोरी है, वही बना ले। आप चुप क्यों नहीं बैठते? इस बार चुप नहीं बैठना तो मैं स्याही लेकर आई। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाइए। जी मिलॉर्ड, मैं इस अदालत में शहर के मशहूर टेलर आदिल बेहया को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मिलॉर्ड, बेहया नहीं, ये तो बेहया ही लग रही है। जालिम, ये तो जनानी के रूप में आदमी निकलो। मिलॉर्ड, ये हैं शहर के मशहूर टेलर आदिल बेहया, जो कि जोधपुरी सूट, बंद गला, शेरवानी वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये क्या हमारे कोर्ट का नाप लेने के लिए आए हैं? जी नहीं मिलॉर्ड, ये गवाही देने आए। तो दिलवाइए ना गवाही। मिलॉर्ड, जिस रात कत्ल हुआ उस रात कातिल ने एक जोधपुरी सूट पहन रखा था।
ये आप कैसे कर सकते हैं? मिलॉर्ड, ये बटन उस जोधपुरी सूट के कोट का है जो कि मकतूल कांतिलाल के हाथ में पाया गया। जानते हैं ये किसके कोट का बटन है मिलॉर्ड? अरे हमें क्या मालूम किसका है भाई। जी जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। जज साहब, आप देख सकते हैं इस बटन के ऊपर क्या लिखा है। यहां से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके ऊपर लिखा है वी एंड वी फॉर विक्रम चिनॉय। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरूल्ड। मिलॉर्ड, मैं अपनी इस बात की तस्दीक करने के लिए आदिल बेहया से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। जी हाँ, तो मिस्टर आदिल बेहया, आप शेरवानी, जोधपुरी सूट, बंद गला वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं, वो सिलते हैं आप हैं? जी जी बिल्कुल सिलते हैं हुजूर, आपका भी सिल दूं? बाद में सिलवाऊंगा। तो बेहया जी, आप ये बताएं कि ये जो इस अदालत में बैठे हैं चिनॉय सेठ, क्या ये भी आपकी बनाई हुई शेरवानी या जोधपुरी सूट वगैरह पहनते हैं? अजी हुजूर, चिनॉय सेठ के अलावा इस शहर के जितने भी रसूखदार हैं वो मेरे ही सूट पहनते हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बटन इस वक्त मेरे हाथ में है, आपको क्या लगता है कि किस रसूखदार शख्सियत के कोट का बटन हो सकता है? ये बटन तो इंजन आपका है। झूठ बोल रहा है, इसको चिनॉय सेठ ने खरीद लिया, ये बिक गया है ये। I'll kill you, I'll kill you, I'll kill this man, I'll kill this man, I'll kill this man. तुम छोड़ो ना उन्हें, छोड़ो। झूठा है ये, he's a liar, ये झूठ बोल रहा है ये। Order, order, आप लोग बैठ जाइए। Point to be noted, my lord. इस आदमी ने भरी अदालत में टेलर आदिल बेहया को I will kill you कहा, यानी कि इन्होंने इसे जान से मारने की धमकी दी है। मिलॉर्ड, जो आदमी भरी अदालत में बेखौफ किसी को जान से मारने की धमकी दे सकता है, वो उसे जान से भी मार सकता है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, किसी को कत्ल करने की धमकी देना और किसी का कत्ल करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है मिलॉर्ड। Yes, my lord, yes. धमकी कोई भी दे सकता है, पर कत्ल करना बहुत मुश्किल है। नहीं, कैसे दे सकता है भाई, वो भी भरी अदालत में। और अगर कोई ऐसी धमकी देता है तो वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी ही दे सकता है। मिलॉर्ड, मैं मानता हूँ आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मिलॉर्ड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। मिलॉर्ड, कल रात को आपकी बीवी कहाँ थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है? नहीं नहीं मिलॉर्ड, इस सवाल का इस केस से बहुत अहम कनेक्शन है। कृपया बताएं आपकी बीवी कहाँ थी कल रात को? मेरी बीवी कल अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानते हैं आपकी बीवी कहाँ थी कल रात? कल रात को आपकी बीवी ब्लैक एंड व्हाइट क्लब में थी, बहुत सारे नौजवान खूबसूरत लड़कों के साथ रम्मी खेल रही थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी जी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, इसके आगे की बात यह है कि क्लब में आपकी बीवी बहुत सारे हैंडसम बॉयज के साथ नाच रही थी, और उस सबके ठीक बीच में एक पोल है, उस पोल के पास खड़ी होके बकवास मत कीजिए आप।
वरना मैं इसी हथौड़ी से कसम इस न्याय की देवी की ठोक ठोक के आपकी हत्या कर दूंगा। I will kill you. There you go, my lord. I'm so sorry. माफ कर दीजिए मुझे। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूँ, बल्कि वो तो मेरी माँ जैसी है। लेकिन आपने तैश में आकर अभी मुझे क्या कहा? You will kill me. क्या आप मुझे मार देंगे जज साहब? आप मुझे नहीं मारेंगे क्या? आप क्रिमिनल माइंडेड हैं? आप नहीं हैं? ऑर्डर ऑर्डर। ये केस अगली सुनवाई की तारीख तक मुलतवी किया जाता है। इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसे हम कानून और इंसाफ समझते हैं वो इन अमीरों के हाथ की कठपुतली है, जिसे ये जब चाहे जैसे चाहे नचा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं? ये लोग हमारी इस अदालत को तो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर अदालत है उसे गुमराह नहीं कर सकते। जो ऊपर इंसाफ देने वाला बैठा है उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और मुझे पूरा यकीन है अंगूरी जी कि मुझे ऊपर की अदालत में इंसाफ मिलेगा। ऊपर का अदालत? ऊपर पहाड़ों पर भी कौन अदालत होता है का? ऊपर की अदालत मतलब भगवान की अदालत अंगूरी जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भगवान का भी कोनो अदालत होता है? तो पता ही नहीं था। आखिर में तो भगवान की अदालत ही होती है ना। जी मोहतरमा, अब आप क्यों आई हैं? हमें माफ कर दीजिए। विभू की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। उस रात ना विभू आपके यहाँ जाता ना उसकी ये हालत होती। हमें भी इस बात का बेहद अफसोस है। तुमरे अफसोस करने से का होता है? हाँ, का होता है? वो तो फंस गए ना बेचारे बुरी तरह। मोहतरमा, हम दिल से कह रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हुजूर को सजा हो, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि असल में जो गुनहगार है उसे सजा हो। इसलिए हम आपके लिए ऐसी खबर लाए हैं, शायद वो खबर आपके केस में मददगार साबित हो। कैसी खबर? चिनॉय सेठ ने हमें अपने फार्म हाउस पर प्रोग्राम के लिए बुलाया है। लेकिन ये बात का उससे का लेना देना है? नहीं 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 अंगूरी जी, इस बात का केस से लेना देना है, क्योंकि हमें चिनॉय के फार्म हाउस पर विभू की बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकता है। कुल फार्म के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अब आप वही कीजिए जो मैं कहती हूँ। जी मोहतरमा। गुलफाम के लिए अभी तक क्यों नहीं आई? इसको हमारी तड़प का कोई अंदाजा ही नहीं। अरे इसका तो फोन भी बंद आ रहा। हुजूर, हुजूर, आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। तू कौन है बे? इस कनीज को, मेरे मतलब इस नाचीज को गुलकंद कहते हैं हुजूर। मैं गुलफाम गली के कोठे से आ रही हूँ हुजूर। तो गुलफाम गली कहाँ? उसके लिए माजरा चाहता हूँ हुजूर। वो क्या है कि गुलफाम गली के नाजुक बदन में ना दर्द हो रहा था हुजूर, इसलिए वो आ नहीं पाई। अरे तूने अपने इस मनहूस मुंह से इतनी बुरी खबर सुनाई, क्या मूड खराब कर दिया। अरे हुजूर, आप अपना मूड क्यों खराब करते हैं? गुलफाम कली नहीं आई तो क्या हुआ हुजूर? मैं ऐसी दो बेहतरीन खिलखिलाती हुई कलियां लेकर आया हुजूर कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी हुजूर। क्या बात कर रहा है? जी हुजूर। तो देर किस बात की है, बुलाओ उन्हें। अभी लो हुजूर, कयामत नजाकत हुजूर याद फरमा रहे हैं। वाह, तो ये है नजाकत और ये है कयामत। जी हुजूर। लेकिन इन दोनों ने अपना मुंह क्यों ढक रखा? इनको कहो कि अपने मुख से नकाब हटाएं और हमें अपने हुस्न का दीदार करवाएं।
ऐसी भी क्या जल्दी है हुजूर, अभी तो रात जवां हुई है। जैसे जैसे रात ढकेगी हमारे चेहरे से नकाब हट जाएगा। वाह। तब तक आप हमरे रिक्शे का मजा लीजिए। रिक्शे का? जी हुजूर, नजाकत का मतलब है तब तक आप हमारे रक्स का मजा लीजिए, यानी कि हमारे डांस का मजा लीजिए। सही पकड़े हैं। तो देर किस बात की है? शुरू करो। जी हुजूर। पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल कांतिलाल का खून मुजरिम विभूति नारायण ने ही किया है। Yes! इसलिए यह अदालत विभूति नारायण मिश्रा वल्द आहुति नारायण मिश्रा को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। And till death. नहीं। ओ यार मकान, मैं करवा लूँगा यार। ये काम करना जज साहब। नहीं जज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे हिम्मत को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा सकते। बदल दीजिए अपना फैसला जज साहब, प्लीज बदल दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं भाभी जी, नहीं नहीं भाभी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ भाभी जी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम तो मर जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी जी, बहुत प्यार करते हैं। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं अंगूरी, हम भाभी जी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। भाभी जी प्लीज एक बार फिर से कहिए जो आपने कहा है। अनु, आई लव यू। नहीं नहीं, दोबारा कहिए तिवारी जी, फिर से कहिए, फिर से कहिए। अनु, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आ जाने से
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, गुल से गुचो से ना बुलबुल के, गुल से गुचो से ना बुलबुल के, गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। ऑर्डर ऑर्डर क्या तमाशा है? आप लोगों ने अदालत को मजाक समझ रखा है क्या? कल वो नाच कर रहे थे, आज आप नाच कर रहे हैं। ये कोई डांस कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे? अंताक्षरी चल रही है। ये क्यों है? मैं इतनी टेंशन में हूँ। कार है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अब इस अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूं जिसे देखकर चिनॉय सेठ और बिट्टू मुतरेजा के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा।